सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। थाना पुलिस द्वारा विगत 3-4 माह से एक नवविवाहिता को थाना में ही रखने का एक सनसनीखेज मामला निकलकर सामने आया है। मामला उजागर करने में जिला मानवाधिकार मिशन की भूमिका अत्यंत ही सराहनीय है। इस संबंध में पति ने पुलिस महानिरीक्षक झारखंड को पत्र लिखकर पिता और पत्नी को प्रताड़ित करने की बातों का खुलासा किया है। इस बीच बड़ा सवाल यह है कि आखिर किसी महिला को इतने दिनों तक थाना में कैसे रखा गया। दरअसल पलामू जिले के हुसैनाबाद अलीनगर निवासी अभिषेक कुमार पासवान पिता दिनेश पासवान ने विगत 3 मार्च 2020 को काजल कुमारी से गजनाधाम मंदिर में धार्मिक रीति रिवाज के मुताबिक शादी कर ली और 14 मार्च से ही कथित तौर पर उसकी पत्नी थाने में बंद है। पुलिस ने 22 मार्च को पति अभिषेक को भी पकड़कर बंद किया और 3 दिन बाद पुलिस उसे छोड़ भी देती है। 13 जून को उसने पिता को भी थाने में रखने की जानकारी दी है। वहीं मामले में मुखिया टूना सिंह उर्फ अभय कुमार सिंह व एक पुलिस अधिकारी का नाम भी निकलकर सामने आया है। ये शख्स आखिर कौन है, पुलिस की मामले में क्या भूमिका है, अब यह जांच पड़ताल के बाद ही सामने आएगा। वहीं पति अभिषेक कुमार पासवान ने अपनी पत्नी की शीघ्रतापूर्वक रिहाई और उसे किसी तरह के झूठे मुकदमे में फंसने से बचाने के लिए डीजीपी को पत्र लिखकर गुहार लगाई है। जबकि पुलिस की माने तो लॉकडाउन की वजह से अभिषेक की पत्नी को महिला थाने में रखा गया, जिसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को भी है। आपको कितना कब कौन सा महीना में ले गया था पुलिस हुसैनाबाद की? तीसरा महीना। और छोड़ा कब है आपको? छठे महीने। छठे महीने।